हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन। कैसे आप सब? मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले विटामिन ई ऑयल को आप घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ। एंड विटामिन ई ऑयल के बारे में आप सभी जानते हैं, विटामिन ई ऑयल स्किन के लिए, हेयर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। विटामिन ई ऑयल बनाने के लिए चाहिए हमें मूंगफली के दाने। अगर आपके पास मूंगफली के दाने नहीं है तो आप बादाम से भी बना सकते हैं, क्योंकि बादाम में एंड मूंगफली के दाने में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए मैं मूंगफली के दाने से विटामिन ई ऑयल बनाऊंगी। तो चलिए ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तवा लेना है, तवे में मूंगफली के दाने डालने हैं एंड इनको रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम लो रखनी है एंड हिलाते रहना है। जैसे अगर आप बादाम का बनाना चाहते हैं तो बादाम में भी यही प्रोसेस है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो इनको मैंने रोस्ट कर लिया, आपको इसी तरह से रोस्ट करना है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ उसमें। तो अब इनको कूटेंगे। कूटते समय आपको ध्यान रखना है, ना तो ज्यादा इसको मोटा कूटना है, ना ज्यादा बारीक कूटना है। वैसे आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कूट सकते हैं, बट दानों की क्वांटिटी बहुत कम है, इस हिसाब से मैं इसमें कूट रही हूँ। मैंने इसको कूट लिया, आपको ऐसे कूटना है मोटा मोटा। तो चलिए अगली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वापस गैस ऑन करना है, तवा रखना है, तवे के ऊपर कटोरी रखनी है एंड कटोरी में जो हमने मूंगफली के दाने कूटे थे वो डालने हैं। अब इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। कैस्टर ऑयल भी नहीं, आलमंड ऑयल डाल सकते हैं। जो ऑयल आपको सूट करे वो ऑयल इसमें डाल सकते हैं आप। जितनी क्वांटिटी ये है उसकी डबल क्वांटिटी आपको तेल डालना है। ये 2 चम्मच है तो मैं इसमें 4 चम्मच तेल डालूंगी। तो तेल मैंने डाल दिया इसमें, अब इसको गर्म होने दूंगी। इसको हिलाते रहना है। अब आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें बुलबुले आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको छानते हैं। तो अब इसको छानेंगे। तो देख लीजिए तेल निकल गया है। तो ऑयल को मैंने छान लिया है, कुछ इस तरह से ऑयल निकला है। आपको इसमें काले काले दिख रहे होंगे, मैंने इसको छलने से छाना है। अगर आप कपड़े से छानोगे तो ये सब नहीं निकलेंगे। अब आप इसको फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल को अप्लाई करते वैसे इसको अप्लाई करना है। आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।